हेलो एवरीवन, आई एम रुचि शुक्ला एंड एम बैक विथ माई अनदर वीडियो। सो इफ़ यू डोंट नो मी एंड मैं क्या वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो दिस इज़ माय कुकिंग चैनल। मैं कुकिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ एंड आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे आप मिसल पाव कैसे बना सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस रेसिपी एंड आई थॉट मुझे आप सबके साथ ये शेयर करना चाहिए। सो हियर आई एम बैक विथ माई अनदर वीडियो जिसमें मैं आपके साथ मिसल पाव की रेसिपी शेयर करूँगी। ईजी रेसिपी है, क्विक है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, हिट दी बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, एज वेल एज कमेंट इन कमेंट सेक्शन आपको रेसिपी कितनी अच्छी लगी है, नेक्स्ट रेसिपी में कौन सी अपलोड करूँ। एंड वन मोर थिंग, आई एम ग्लैड दैट हमने 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। सो हमारी फैमिली 3000 की हो चुकी है एंड आई जस्ट वॉन्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, लेट्स मेक इट एज सुन एज पॉसिबल 4000 एंड 5000 एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके इतने सारे लव एंड सपोर्ट के लिए। और या आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और बहुत लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है एंड दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटर चाहिए। ये मैंने सफ़ेद वाली मटर ली हुई है जिसे रात भर भिगोया था पानी में और सुबह से उसको मैंने अच्छे से धोया और उसको मैंने कुकर में उबाला है। दो चार चुटकी मैंने उसमें हल्दी डाली है, नमक डाला है और उसको मैंने 2 से 3 सीटी कुकर में बॉईल किया। और मटर जो है वो हमें ज़्यादा नरम नहीं चाहिए, आप सब देख सकते हैं अभी भी काफ़ी हार्डी है, क्योंकि एकदम नरम रहेगा तो हमारा मिसल अच्छा नहीं बनेगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं आगे का स्टेप हमें क्या करना है। हम ग्रेवी बनाएंगे, पहला स्टेप वो होगा। और उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नारियल लिया हुआ है, सूखा नारियल है जिसे अच्छे से ग्रेट किया हुआ है मैंने। और इसे मैं बिना तेल या घी के पैन में थोड़ा सा इसे रोस्ट करूँगी और इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और गैस का जो फ्लेम है वो हम स्लो पर ही रखेंगे। इसका कलर आप सबको दिख रहा है, हमें इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। बस हमें इतना स्लाइट गोल्डन ब्राउन ही कलर चाहिए, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो वो जल जाएगा। और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब सेकंड स्टेप में मैं पैन को मैंने हीट करने के लिए रख दिया, उसमें मैं एक बड़ा चम्मच तेल का डाल रही हूँ। ऑयल हीट हो चुका है, अब मैं इसमें राई डाल रही हूँ, अराउंड 1 चम्मच राई होगा। और इसे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब ये फूटना स्टार्ट होगा तब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। राई स्टार्ट हो गया फूटना, अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी। इस टाइम पे थोड़ा गैस से दूर ही रहना सेफ होता है। और ये थोड़ा सा जो जीरा है वो भी थोड़ा गोल्डन कलर में हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी जिसे मैंने फाइन चॉप्ड किया हुआ है। आप इसे रफली भी चॉप कर सकते हैं क्योंकि आगे हमें इसका पेस्ट बनाना होगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम स्लो पे रखा हुआ है और अब हम इसे कुक करेंगे जब तक हमारा जो ये प्याज है वो थोड़ा सा गोल्डन पिंक कलर में नहीं हो जाता है। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का पिंक कलर चाहिए प्याज में। अब जो ये प्याज है वो थोड़ा सा ट्रांसलूशन कलर में हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची। ये मैंने हरी मिर्ची एक ली हुई है जिसको बीच में से तोड़ा, खड़ी मिर्ची कभी भी नहीं डालनी चाहिए। और 1 इंच अदरक है, साथ ही साथ में कम से कम मैंने 8-10 ये गार्लिक के पीस लिए हुए हैं। ये सब डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे, मीडियम स्लो फ्लेम पे ही गैस रखना है, फुल पे नहीं करना है हमें। 2 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये मैंने 2 टमाटर लिया हुआ है, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए मैंने, इसे भी मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें बहुत हल्का सा नमक ऐड करने वाली हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया क्योंकि सॉल्ट डालने से जो हमारा ग्रेवी है वो थोड़ा जल्दी कुक होगा। ये मिक्स हो चुका है और अब मैं इसे ढक दूंगी और हम इसे अराउंड 2 मिनट तक कुक करेंगे। आप सब देख सकते हैं अब जो टमाटर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसे जब आप प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा दबना चाहिए, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी ठंडा होने के लिए।
इसे हम थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि हम इसका पेस्ट बना सकें। पेस्ट ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे ग्राइंडर में ले लूँगी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जो हमने नारियल को रोस्ट किया था उसे। मैंने इसमें आधा कप डाला हुआ है नारियल जिसको हमने रोस्ट किया था, जो हमारा नॉर्मल कप होता है उसी से मैंने आधा कप इसमें डाला है। और अब मैं इसका एक स्मूथ सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। सो मैंने पेस्ट बना लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप सब देख सकते हैं पेस्ट कितना अच्छा बन चुका है। और अब मैं आपको बताती हूँ हमें आगे कैसे बनाना है। गैस ऑन कर दिया मैंने और अभी मेरा गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम हाई पे है। और अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल डालूंगी। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, अराउंड टोटल मैंने इसमें 6 से 7 चम्मच तेल डाला है। तेल ज़्यादा क्यों डालते हैं, बिकॉज़ उससे ना मिसल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा तेल डाला है। और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाला है, अराउंड 1/2 टीस्पून होगा। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना क्योंकि अगर तेल ज़्यादा नहीं रहेगा तो इसका टेस्ट थोड़ा ड्राई आएगा। और अब हम इसे थोड़ा सा वेट करेंगे। अब मैंने इसे कम से कम 2-4 सेकंड तक इसे कुक किया जीरा को। और अब मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ जो हमने बना के रेडी रखा था। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसमें धीरे धीरे सारे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला मैंने इसमें। और साथ ही साथ में गरम मसाला, दो चम्मच गरम मसाला। और इसमें मैं डाल रही हूँ अब, ये मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब ये मैंने इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला डाला हुआ है। आप चाहिए तो आप ये सब स्किप करके सीधा जो हमारा होता नॉर्मल मिसल मसाला वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। 1/2 चम्मच मैं और डाल रही हूँ इसमें। और साथ ही साथ में मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका सिर्फ कलर होता है, टेस्ट में काफ़ी कम तीखा होता है। 1 चम्मच और डाल रही हूँ मैं मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें टोटल 2 चम्मच डाली हुई है। इसे एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हमें अच्छे से मिक्स करना पूरे मसाले में। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक एज पर टेस्ट होगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सबको। और इसमें अब 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी स्लो फ्लेम पे। और जब तक हमारा जो मसाला है वो साइड से तेल ना लिफ्ट करना चालू करे तब तक हम इसे कुक करेंगे। हमें गैस का फ्लेम ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और वो पकेंगे नहीं, इसलिए हम इसे स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो पे रखना है, ये आप याद से याद रखना। सो इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाया है। आप सबको दिख रहा है ये जो मसाला है उसने अच्छे से तेल छोड़ दिया साइड में से। और अब मैं इसे थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। अगर आप जब इसे कुक करेंगे और आपको लगेगा कि आपका मसाला थोड़ा जल रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं उस टाइम पे। और अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ जिसे हमने अच्छे से भिगो के उसे बॉईल किया था। आप ये मटर मेजर करने जाएंगे तो जो हमारा कॉफ़ी कप होता है उससे ये 2 कप है। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं इसमें जो हमने मटर बॉईल किया था वही पानी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले मटर के साथ मिक्स हो जाए। आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा रेड कलर दिख रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि हमें ये थोड़ा लिक्विड ही चाहिए। हमें इस तरह से ही दिखना चाहिए जब हम इसे कुक करेंगे, थोड़ा जूसी चाहिए रहता है हमें। सो इसमें अराउंड 1 लीटर पानी डाला है। मिसल जो रहता है वो लिक्विड ही रहता है इसलिए हमने इसमें पानी ज़्यादा डाला है। और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढक के रख दूँगी कुक होने के लिए अराउंड 5 से 10 मिनट तक। सो मैंने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया। और अब हम देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, आप सबको दिख भी रहा होगा। और अब फाइनल स्टेप इसमें रहेगा जिसमें हम धनिया डालेंगे। ये मैंने धनिया लिया हुआ है जिसको अच्छे से चॉप किया हुआ है।
इसे बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं, और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। धनिया डालने के बाद मैं इसमें एक चम्मच नींबू का जूस डाल रही हूँ, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसे प्लेटिंग कैसे करनी है। घर पे बनाई हुई है, नॉर्मल बेसन लिया जिसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला मोयन के लिए, नमक डाल के पानी डाला मैंने अच्छे से, और हमने नॉर्मल सॉफ्ट डो बनाया आटे जैसा, और उसको मैंने नमकीन बनाने वाली मशीन में डाल के इस तरह से गाठिया और ये सब बना लिया। और ये जो कलर दिख रहा है जिसमें मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर डाला, तो हमारी कलर वाली नमकीन भी तैयार हो गई है। सो अगर आपको चाहिए तो आप बाहर से नॉर्मल ले सकते हैं, मिक्स वाली फरसान ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेटा कटोरी में थोड़ा सा नमकीन रखेंगे नीचे, इस पर मिसल डालूँगी जो बनाया। पहले हम मटर लेंगे, इसके ऊपर से मैं जूस डालूँगी। अब इसके ऊपर मैं वापस से जो हमने नमकीन डाली थी नीचे वही डालूंगी ऊपर भी। ऊपर से हम प्याज डालेंगे, अच्छे खासे क्वांटिटी में हमें प्याज डालना है, फाइन चॉप की हुई है। और ऊपर से कुछ धनिया की पत्ती डालूंगी मैं, जो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है दिखने में। मिसल पाव रेडी हो चुका है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। सो प्लीज इसे घर पे जरूर ट्राई करना, ट्राई कर रहे तो कमेंट सेशन में बता देना। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम एंड डू शेयर योर ओपिनियंस। मैं क्या चेंजेस करूँ, आपको क्या चीजें नहीं अच्छी लगती, तो मैं वो चेंजेस जरूर करूंगी। सो योर ओपिनियन एंड यू ऑल मैटर अलॉट फॉर मी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।